पीएम मोदी महापश्चिमी पर आज कोलकाता में होने वाले दुर्गा पूजा में होंगे शामिल, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे शिरकत। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, लोगों से लाइव कार्यक्रम से जुड़ने का पीएम का अनुरोध। जम्मू कश्मीर पर 1947 के पाकिस्तानी हमले की बरसी है, आज पाकिस्तानी कार्रवाई को ब्लैक डे के तौर पर मनाएगी केंद्र सरकार। पाकिस्तान में तनाव के बीच में पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा ने किया नियंत्रण रेखा का दौरा, जहां उन्होंने सैनिकों से की है मुलाकात। पाकिस्तान में इमरान सरकार पर दोहरी मार, पुलिस के बाद अब सिंध बार काउंसिल ने सेना के खिलाफ उठाई है आवाज। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ विद्रोह को नवाज शरीफ ने बताया है सही, कहा मुल्क में चल रही है दो हुकूमत, आज सही साबित हुई है मेरी आशंका। मरियम के पति की गिरफ्तारी पर पाकिस्तानी सेना और सिंध पुलिस आमने सामने, बाजवा ने पूरे मामले में दिए जांच के आदेश, काम पर लौटे सिंध पुलिस के अफसर। इमरान खान के मंत्री फवाद खान ने सिंध में पुलिस कर्मचारियों के छुट्टी पर जाने को बताया साजिश, बिलावल हाउस के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। चीन की जासूस से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है, चीन ने की थी पीएमओ की जासूसी कराने की कोशिश। अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को मुंबई पुलिस ने भेजा है नोटिस, कंगना पर धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप है। मथुरा में गिरफ्तार पीएफआई के संदिग्ध सदस्य सिद्दीकी के परिजन से मिले हैं राहुल गांधी, उनकी मदद करने का भी वादा किया। राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा अटैक, देश विरोधी ताकतों से मिले राहुल गांधी, पूछा क्या एक हो गई है पीएफआई और कांग्रेस। क्रिकेट घोटाले में फारूक अब्दुल्ला से ईडी ने करीब 5 घंटे पूछताछ की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि दबाव बनाने की ये कोशिश है। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब सरकार के फैसले पर केजरीवाल का तंज, कहा किसानों को झूठे वादे और झूठे कानून की जरूरत ही नहीं है। किसान कानून के बहाने कांग्रेस नेता राशिद अलवी का विवादित बयान, कहा सरकार की गलत नीतियों से टूट जाएगा देश, पीएम मोदी होंगे जिम्मेदार। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस। प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, मोदी सरकार ने आयात नियमों में दी है ढील। प्याज की बढ़ती कीमतों ने निकाले हैं आम आदमी के आंसू, दिल्ली मुंबई में 70 के करीब पहुंची है कीमत, दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में भारी बारिश का असर। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगा, एकनाथ खड़से ने दिया इस्तीफा, शुक्रवार को एनसीपी में होंगे शामिल। एकनाथ खड़से के बीजेपी छोड़ने पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले बीजेपी को चिंतन की जरूरत है। बंगाल में भी एनडीए को लगा झटका, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने छोड़ा साथ, ममता के साथ 2021 का चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान, चौराहों पर तैनात किए जाएंगे पर्यावरण मार्शल, दिल्ली की बिगड़ती आबोहवा को सुधारने की कोशिश। दिल्ली के चांदनी चौक में त्योहारी सीजन में बढ़ रही है भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा है यहां ध्यान। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन कोरोना पॉजिटिव, एम्स ट्रॉमा सेंटर में कराया गया था भर्ती। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 3,686 नए मामले सामने आए, 47 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 76,51,000 के पार, कोरोना से अब तक 15,914 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,044 नए मामले सामने आए, जबकि 717 लोगों की मौत हुई। झारखंड में कोरोना के 647 नए मामले सामने आए, इसके साथ ही राज्य में कुल केस 98,061 हुआ, जबकि 851 लोगों की मौत भी हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल केस 1,63,296 हुए हैं, जबकि अब तक 2,828 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, राज्य में एक्टिव केस 2,636 हुआ, जबकि अब तक 274 लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,746 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 27 लोगों की मौत हुई। बिहार चुनाव में जी हिंदुस्तान के ओपिनियन पोल के पहले चरण में एनडीओ को बढ़ा, बीजेपी गठबंधन को 35-40 सीटों का अनुमान, महागठबंधन को मिल सकती है 25-30 सीटें। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी आज जारी करेगी विजन डॉक्यूमेंट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रहेंगी मौजूद। बिहार चुनाव में पाकिस्तान के बाद अब चीन की भी एंट्री हुई, भोजपुर रैली में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा 1 इंच जमीन भी चीन को नहीं छीनने देंगे हम। बिहार में चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और ओवैसी पर साधा निशाना, कहा जो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं वो देश के हित कैसे सोच सकते हैं। बिहार के भोजपुर रैली में लालू फैमिली पर योगी का निशाना, कहा चारा हजम करने वाले खा गए गरीबों का राशन। बिहार के मोतिहारी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी रैली, एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। बिहार के भोजपुर में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, नाराज लोगों ने दिखाए हैं काले झंडे, चुनाव प्रचार के लिए गए थे आरके सिंह। सत्ता में वापसी के लिए सीएम नीतीश ने लगाया पूरा दम, अपनी 15 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं नीतीश। सासाराम में चुनावी सभा के दौरान तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, युवाओं को रोजगार और भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया। औरंगाबाद में चुनावी सभा के दौरान तेजस्वी यादव ने विशेष राज्य का मुद्दा उठाया, नीतीश कुमार के कार्यों पर कई सवाल भी उठाए। सासाराम के अकोरी गोला में जनसभा के दौरान तेजस्वी ने एक बार फिर दोहराया कि सरकार बनने पर 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे।
चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले तेजस्वी ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया। राबड़ी देवी ने कहा, जनता उनके साथ है और चुनाव में जीत होगी। बिहार चुनाव के लिए एलजेपी ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट। पहला विजन डॉक्यूमेंट अपनी मां को दिया, मां ने चंदन टीका लगाकर आशीर्वाद दिया। पटना के पालीगंज में एलजेपी नेता चिराग पासवान ने रोड शो में लिया हिस्सा। एलजेपी प्रत्याशी डॉक्टर उषा विद्यार्थी के समर्थन में किया रोड शो। एलजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में रोजगार पोर्टल और जीविका मित्र को वेतन देने का वादा। विजन डॉक्यूमेंट का नाम बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया बदलाव पत्र। किसानों का कर्ज और बिजली बिल माफ करने का वादा किया। शेखपुरा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। केंद्रीय पुलिस बल और जिला पुलिस के जवानों ने किया है फ्लैग मार्च। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में उपचुनाव को लेकर के हम बैठक। सीएम योगी के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी रहे मौजूद। आज से उपचुनावों के लिए यूपी में प्रचार शुरू करेंगे सीएम योगी। बुलंदशहर, अमरोहा और फिरोजाबाद में करेंगे जनसभा। यूपी विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले हैं चुनाव की अधिसूचना जारी की गई। 27 अक्टूबर तक होंगे नामांकन। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जय विजय सिंह की बांदा में सड़क हादसे में मौत हुई है। प्रयागराज में इलाज के लिए ले जाते समय निधन हुआ। तय समय पर होगी चयनित 31,277 सहायक अध्यापकों की तैनाती। 28 अक्टूबर को काउंसलिंग के बाद 3 नवंबर तक होगी ज्वाइनिंग। पुलिस को मिली बलिया गोलीकांड के आरोपी धीरेंद्र सिंह की रिमांड। दोबारा सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने दी 48 घंटे की पुलिस रिमांड। हाथरस केस में जांच कर रही सीबीआई ने 11वें दिन अलीगढ़ जेल में बंद चारों आरोपियों से पूछताछ की है। दूसरी टीम ने हाथरस में पीड़ित परिवार से किए सवाल जवाब। बरेली में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर के खुलेआम चले हैं लाठी डंडे मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के चंदौली में एक युवक और स्वास्थ्य कर्मचारी के बीच मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुआ मारपीट का वीडियो। यूपी के हरदोई में अश्लील डांस के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दो युवतियां अश्लील डांस करती दिख रही हैं। आइटम वाले बयान को लेकर के चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को नोटिस जारी किया। 48 घंटे में जवाब मांगा है। इमरती देवी को लेकर विवादित बयान पर शिवराज सिंह के निशाने पर कमलनाथ, कहा भारतवर्ष में जिसने भी किया नारियों का अपमान उसका वंश हो गया नष्ट। असम के बाद एमपी की मंत्री ने मदरसों पर उठाए हैं सवाल। संस्कृति मंत्री ने मदरसों को बताया है आतंकी फैक्ट्री, कहा बंद होनी चाहिए सरकारी मदद। मदरसों पर कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर के बयान पर बीजेपी में विरोधाभास। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने बयान को बताया समाज को तोड़ने वाला। 27 और 28 अक्टूबर को होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र। राज्यपाल की सहमति के बाद अधिसूचना जारी की गई। इंदौर में राशन माफिया मोहन अग्रवाल का पुलिस के सामने सरेंडर, करोड़ों के राशन घोटाले का आरोप है। दंतेवाड़ा में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, मौके से हथियार और नक्सल सामग्री बरामद। राजस्थान के पाली में सिंचाई पानी के लिए किसानों का महापड़ाव, बड़ी तादाद में किसानों ने निकाला जुलूस। राजस्थान में 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई, लगभग सभी मांगों पर बनी सहमति। भरतपुर एसीबी टीम ने रूपवास कस्बे में की बड़ी कार्रवाई, पटवारी को 3,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ में युवक की सरेआम धुनाई हुई है, ट्रैक्टर से आलू की बोरी चोरी कर रहा था युवक। भरतपुर में पत्नी की हत्या के बाद पति ने की खुदकुशी, फांसी लगाकर जान दी। हरियाणा के झज्जर में पंजाब नेशनल बैंक से लुटेरों ने 7 लाख रुपए लूटे हैं। 2 डीएसपी रैंक के अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में सीएम के दौरे से ठीक पहले बड़ा हादसा हुआ, शेल्टर होम पर गिरा है पत्थर, कई मकान बर्बाद हुए। हैदराबाद में लगातार हो रही बारिश की वजह से पुल पर बनी सड़क पानी में बह गई है। सड़क का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया जिसके बाद पुल को बंद कर दिया गया। सूरत में चलती बस में लगी भीषण आग, दूधू कर जली बस, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर में मेरा शहर मेरा गर्व में छोटे कारोबारियों को कम ब्याज पर लोन दिया गया है, जरूरतमंद लोगों को बांटे गए हैं चेक। किंग खान की कोलकाता को हरा करके दूसरे नंबर पर पहुंची है विराट की बेंगलुरु, सीरीज रहे हैं जीत के हीरो। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से मात दी है। बैंगलोर ने कोलकाता को बेहद कम स्कोर पर रोक दिया। कोलकाता 20 ओवर में 8 विकेट पर 84 रन ही बना पाई। बेंगलुरु ने यह लक्ष्य 13.3 ओवरों में 2 विकेट खोकर के हासिल कर लिया। विराट कोहली का खुलासा, आखिरी समय में बदला था प्लान, वरना मोहम्मद सिराज नहीं बना पाते रिकॉर्ड। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने सिर्फ 8 रन देकर के झटके 3 विकेट अपना सर्वश्रेष्ठ T20 प्रदर्शन किया। जल्द ही आधे दर्जन सेक्टर्स को मिल सकता है PLI का लाभ। वित्त मंत्रालय एक और राहत पैकेज की तैयारी में जुटा है। त्योहारी मौसम में SBI का एक और तोहफा, होम लोन की दरों में 0.25% तक की छूट दी गई। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, भारत आर्थिक पुनरुत्थान के दरवाजे पर खड़ा है। बजाज फाइनेंस के दूसरी तिमाही के नतीजे, मुनाफा 36% गिर करके ₹965 करोड़ रहा। चीनी कंपनी हुआवे को टक्कर देने के लिए रिलायंस जियो तैयार है। अमेरिका में किया 5G तकनीक का सफल परीक्षण।
रागवे पुलिस ने 500 मिलियन डॉलर कीमत की रिकॉर्ड 2.3 टन कोकीन जब्त की। इजराइल से चारकोल के शिपमेंट में लाई जा रही थी। नासा ने अपने ऐतिहासिक ऑपरेशन के जरिए एक छोटे तारे के सहारे यहां सतह पर चट्टान के नमूने लिए हैं। पृथ्वी से 100 मिलियन दूर है ये तारा। फ्रांस में टीचर की मौत के बाद नेशनल असेंबली में दी गई श्रद्धांजलि। क्लास में पैगंबर साहब का कार्टून दिखाने के आरोप में इस्लामिक ग्रुप ने मारी थी गोली। फ्रांसीसी टीचर को श्रद्धांजलि देने के लिए छात्रों और अध्यापकों ने निकाला मौन जुलूस। अध्यापक पर मोहम्मद साहब की आपत्तिजनक तस्वीर दिखाने का आरोप है। इसराइल ने गाजा पट्टी के क्रॉस बॉर्डर टनल का किया खुलासा। करीब 65 किलोमीटर तक बनने वाली टनल के लिए इजरायली सेना ने हमास को ठहराया जिम्मेदार। केबीसी की सेट पर अमिताभ ने किया खुलासा। पूर्वजों के गांव में बच्चों का स्कूल खोलने की कर रहे हैं तैयारी। खबर है कि पब्लिक डिमांड पर इंडियाज बेस्ट डांसर पर नोहा फतेह को होगी उनकी वापसी। बतौर जज उनके शो में फिर वापसी हो सकती है। ट्रोलिंग पर क्रिकेटर हरभजन सिंह की पत्नी गीता बसरा बोली है खराब परफॉर्मेंस पर क्रिकेटर्स की पत्नियां होती हैं सॉफ्ट टारगेट। फिल्म अभिनेता अनिल कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें वो अपनी शानदार बॉडी दिखाते नजर आए। फिल्म अभिनेत्री कियारा आडवाणी का दावा है ऋतिक रोशन और आदित्य रॉय कपूर बिना नहाए भी लग सकते हैं कूल। ये खुलासा एक्ट्रेस ने नेहा धूपिया के चैट शो में किया। सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ओरलांडो के सैनफोर्ड में रैली के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंच पर डांस करते नजर आए। ये वीडियो अमेरिका के न्यूयॉर्क का है जहां पर एक कॉलेज स्टूडेंट और खिलाड़ी लैरी ने एक बॉल को कई मीटर की दूरी से ही बास्केट में डाला। ये वीडियो अब ब्रिटेन का है जहां पर एक 80 साल के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर इस तरह से नाव चला करके जरूरतमंद लोगों के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। वीडियो अफ्रीका के नाइजीरिया के लागोस शहर से है जहां पर प्रदर्शनकारियों ने हिंसक रूप ले लिया है। घर में हो या घर पर अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान का ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर करिए क्लिक और देश और दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।